वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में। और अभी आ गए हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 2023 के जो असाइनमेंट है कि अगर आप बीए में अगर आपने एडमिशन लिया है तो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के असाइनमेंट, और या फिर अगर आप बीए एडिशनल प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं सेशन 2023-24 में, ध्यान से सुन लें एक बार कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं या फिर आप बीए एडिशनल का प्रोग्राम जो है वो अपने ग्रेजुएशन के साथ में अगर कर रहे हैं तो उनके असाइनमेंट के जो सॉल्यूशंस हैं वो एक बार आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेपर और क्वेश्चन उसके मिलान करें। पहला पेपर है EG01 जो 2023-24 के लिए पोइट्री एंड ड्रामा का, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट्स, शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे, तो इसके जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन जरूर से मिलान करें। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हु आर ऑर्फिसस, व्हाट इज कपलेट, व्हाट इज न्यू क्लासिकल स्कूल। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देखेंगे सेक्शन ए के 6 प्रश्न आपको करने होते हैं जो कि 30 वर्ड्स तक करने हैं, सेक्शन बी में से केवल आपको 4 प्रश्न करने होते हैं और सेक्शन सी में से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो इसके जो आंसर के जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपकी बुक वगैरह से तैयार कर दिए गए हैं, तो जो आप देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अगला जो पेपर है वो भी आप देख सकते हैं बी ए ई जी जो कि है प्रोज और फिक्शन का, जिसका कि पहला क्वेश्चन आप मिलान करें नेम द ऑथर ऑफ द एसे रूरल मैनर्स। तो यहाँ पर 6 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, सेक्शन बी के 2 प्रश्न हैं, मतलब 4 प्रश्न आपको करने होते हैं, सेक्शन सी में से केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। तो इसके आंसर आप यहाँ पे मिलान करें कि नेम द ऑथर ऑफ द एसे रूरल मैनर्स, तो जोजेफ एडिशन जो है इसका राइटर था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके और आपने अपने असाइनमेंट है वो जितना जल्दी हो सके पॉइंट टू पॉइंट बनाकर अपने रीजनल सेंटर या फिर आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं। पेपर नंबर 3 जो कि है पोइट्री और ड्रामा फर्स्ट पेपर, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप मिलान करें डिफाइन ऑक्सीमोरॉन, तो हु आर द 3 फिगर्स इन ओड टू इंडोलरेंस। तो यहाँ पे 6 प्रश्न हैं, वो 6 के 6 आपको करने होते हैं और इनमें से केवल आपको 4 प्रश्न करने होते हैं, इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो इसके जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन जो फिगर है वो कहाँ से आया है, तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच का पेपर है जो कि आप देख सकते हैं 5 पेज के जो इसके आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और किस से डाउनलोड करना है तो वो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कंटिन्यू बने रहिए कि किस प्रकार से आप इनकी जो पीडीएफ सॉल्यूशंस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोज एंड फिक्शन सेकंड, पहला क्वेश्चन मिलान करिए व्हाट इज द नॉनसेंस पोइट्री, क्या है नॉनसेंस पोइट्री, व्हाई हैड द फील्डिंग केम टू इंडिया। तो ये प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो भी आप देख सकते हैं कि नॉनसेंस पोइट्री क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट करके आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। व्हाट्सअप करना है, केवल व्हाट्सअप आपको करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, केवल आप व्हाट्सअप करेंगे तो इसके सॉल्यूशन आपको भेज दिए जाएंगे। इसके बाद में पेपर नंबर 5 है वो भी आप यहाँ पे देखें जो कि है पोइट्री और ड्रामा सेकेंड EG05। तो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो या फिर आप बीए एडिशनल प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, जिसमें यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, ये पेपर आपका यहाँ पे बनाया हुआ है। क्वेश्चन आप मिलान करें व्हाट इज द एन एलोगरी, और इसके जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलोगरी क्या है। एन एलोगरी इज ए नैरेटिव स्टोरी वेयर द कन्वेज ए कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट और डिफिकल्ट मैसेज। और इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सअप करके इसकी पीडीएफ को देख सकते हैं, और 15 अप्रैल से पहले अगर डेट बढ़ जाती है तो अलग बात है, बाकी 15 अप्रैल 15 मई तक आप अपने जो असाइनमेंट है वो बनाकर आप जितना जल्दी हो सके जमा करवा दें तो सही रहेगा। इसके बाद में बी ए ई जी का जो पेपर है वो भी आप यहाँ पे देख लें जो कि है आपका प्रोज एंड फिक्शन थर्ड पेपर जो है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है नेम द करेक्टर ऑफ माइस एंड मैन, फिर उसके बाद में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस क्या है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो है कि नेम द करेक्टर ऑफ द माइस एंड मैन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है,
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरे आंसर जो है वो तैयार है। तो 7 पेज में इसके आंसर हैं, वो आप यहाँ पे मिलान करें। क्वेश्चन ज़रूर से आप मिलान कर लें पहले, सेक्शन सी में से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, तो इनके जो सॉल्यूशन है वो तैयार हैं। तो वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो आप अपनी बुक से बना सकते हैं, और बाकी इसके अलावा आप मुझे इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जहाँ पर आपको PDF जो है वो शेयर कर दी जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, दोस्तों तक शेयर ज़रूर से करें, और जल्दी से अपने असाइनमेंट बनाकर जमा करवा दें। ओके दोस्तों, थैंक यू।